उनको भी हम चाहेंगे कि व्यवस्था हो, बड़े अस्पतालों में भी हो और जगह जहाँ संभव हो उनको करना चाहिए, जिससे कि कैसी भी स्थिति आए हमारे सामने हम उसको मुकाबला कर सकें। और मुझे उम्मीद है कि अगर सेकेंड वेव को हमने मुकाबला कर लिया ढंग से, क्योंकि कई तरह की बातें चलती है दुनिया भर के मुल्कों से जो अनुभव प्राप्त करते हैं, कई जगह सेकेंड और थर्ड वेव साथ में आ गई, वो भी संभावना हो सकती है, पता नहीं पड़ता है। जब अचानक ही 15 अप्रैल के आसपास में राजस्थान में देखा, देश के अंदर अचानक ही लहर इस पर उठी है, पहले खाली महाराष्ट्र की बात सुनते थे, फिर अचानक ही पूरे देश के अंदर संख्या एक साथ बढ़ने लग गई, तो लहर इस पर आती है। अब ये थर्ड वेव आएगी या नहीं आएगी पता नहीं, आगे तो कोई सितंबर अक्टूबर की बात करता है, कोई कहता है कि सेकेंड थर्ड वेव साथ हो जाती, कई बार ये तमाम बातें ऐसी है जो किसी को नहीं मालूम है। अब ये नया ब्लैक फंगस आ गया, उसकी दवाई नहीं मिल रही है, बड़ी चिंता लगी हुई है, उसमें आंखें आंखें के ऑपरेशन नहीं, आंखें निकालनी पड़ती है, उनका जबड़ा निकालना पड़ता है, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, ये बहुत खतरनाक रोग आ गया है। मैंने मालूम करने का प्रयास किया दुनिया के मुल्कों में, अनिल अग्रवाल जी को ज़्यादा मालूम होगा, कि दुनिया के अंदर मुल्कों में ये ब्लैक फंगस नहीं है, तो खाली हमारे मुल्क में क्यों आया, इसकी रिसर्च होनी चाहिए। प्रधानमंत्री को हम लिख रहे हैं कि भाई आप रिसर्च तो करवाओ, ये हिंदुस्तान के 8-10 राज्यों में ज़्यादा क्यों आ गया, ये दुनिया में क्यों नहीं है ऐसी ब्लैक फंगस वाली बात आई, क्या कोई कोई कहीं गलती हुई है हमारे यहाँ देश के अंदर, स्टेरॉइड ज़्यादा दे दिए गए, कुछ लोग कहते हैं, कुछ कहते हैं कि उससे शुगर बढ़ जाती है उसके कारण हो गई, उसका मानना है रेमडेसिविर दवाई नहीं थी तो लोगों ने ज़्यादा, डॉक्टरों ने भी ज़्यादा दे दिया स्टेरॉइड दे दिया, कुछ और तरह के कई किस्से गाने सुनते हैं। तो ये तमाम बातें जो है खाली सुनते हैं, ये तय तक जाना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आगे आने वाले वक्त में मरीज ज़्यादा बढ़ नहीं जाए। तो ये तमाम बातों के बीच में हम लोग यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि पूरा देश समझ चुका है, चाहे सरकारें चाहे किसी पार्टी की हो, वो सब समझ चुकी है, सब लोग लगे हुए हैं, और जिस रूप में दबाव दे रहे हम लोग सब मिलके केंद्र पे भी, कि आप फ्री वैक्सीन करो बच्चों के लिए भी सबके लिए, आज तक वैक्सीन इतिहास रहा है फ्री वैक्सीन ही होती है मुल्कों के अंदर, देश के अंदर भी 5-6 वैक्सीन चलती है पोलियो सहित, सब फ्री है। पता नहीं क्यों इस बार 18+ के लोगों के लिए केंद्र ने नीति बना दी, उसकी बहुत आलोचना भी हो रही है, हम लोग कोशिश कोशिश कर रहे हैं कि दबाव सब राज्य सरकार मिल के दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी गए हम लोग, क्योंकि वो भी पीछे में आ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में कल भी मुकदमा कल भी सुनवाई हुई थी, उन्होंने कहा कि नहीं सरकार को ये आपने क्यों किया, अलग अलग रेट कर दी, 600 रुपये प्राइवेट के लिए, 300 रुपये सरकार के स्टेट गवर्नमेंट के लिए और 150 रुपये भारत सरकार के लिए, ऐसा कभी होता नहीं है। तो ये बातें चलती जाएगी, पर मैं इस मुबारक मौके पर जब इतने उद्घाटन और लोकार्पण हो गए हैं, तो मैं खाली जिन जिन ने सहयोग किया है, चाहे JSW हो, अनिल अग्रवाल जी तो खैर पहले से ही लगे हुए हैं, और MD सिक्योर मीटर्स सुकेत सिंगल के, श्रीकांत जी को, राजीव अरोड़ा जी को, प्रशांत जैन जी को, तमाम को मैं धन्यवाद दूंगा, और भी साथी जो चाहे ठीक कहा अनिल जी ने, अनिल अग्रवाल ने ठीक कहा, चाहे वो दान दाता छोटा हो या बड़ा हो, उसका मान सम्मान करना समाज का कर्तव्य होता है, और समाज जब सम्मान करता है तो मैं समझता हूँ कि और लोगों को प्रेरणा मिलती है। ये परंपरा हमारे देश की बहुत पुरानी परंपरा है कि जितना सम्मान करेंगे उतना ज़्यादा नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी, और मैं समझता हूँ कि इसमें हमारी प्रदेश की भी महान परंपरा है, या तो पूरे जो देश भर की जो इकोनॉमी है आज समाने वाले हैं, तो राजस्थान के लोग हैं, अनिल अग्रवाल जी को तो है ही है, उसके अलावा जितने बड़े घराने हुए हैं, चाहे बिड़ला भांगड़ या पोदार सिंघानियाज अग्रवाल गोयनकाज
बड़े बड़े घराने हुए वो आज भी देश की इकोनॉमी को संभाले हुए हैं, और हमें गर्व है कि वो सब राजस्थान निकले हैं। और जाते हैं प्रवासी भी जो देश भर में फैले हुए हैं, दुनिया भर में फैले हुए हैं। अभी हमने बात करी दुनिया भर के डॉक्टरों से जो राजस्थान के लोग हैं, इतना अच्छा लगा उनको, अच्छा लगा। पर दुनिया भर में और देश भर में जो हमारे राजस्थान के लोग हैं, उनकी खासियत यही है कि अकाल में, सूखे में, तकलीफ में वो लोग आते हैं गाँव में, अपने गाँव जाते हैं कई लोग, तो शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवा में, अकाल सूखे में गायों की मदद करना है, चारे का प्रबंध करना है, इमदाद करते आए। ये मैंने 40 साल 50 साल का मेरा अनुभव है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि राजस्थान बॉन्ड मजबूत रखते हैं राजस्थान के जो प्रवासी हैं वो। अनिल अग्रवाल जी सभी बोल रहे थे तो खुले रूप में कह रहे थे कि उनके पेरेंट्स ने भी उनको हमेशा ये मैसेज दिया जिंदगी के अंदर जितनी सेवा कर सको करनी चाहिए। तो उनसे तो हम क्या मांग करें, वो तो खुद आगे बढ़ के, ये नंद घर हो चाहे वैक्सीन की बात, तो उन्होंने पुणे वाले खुद ने पहले कर ली थी बुला करके। मैं चाहूँगा कि वो बात उनको कायम रखें आगे भी, जिससे कि जरूरत पड़ने पर पता नहीं सरकार क्या नीति बनाई केंद्र सरकार, अगर वो नीति चेंज करती है जो मुझे लगता है हो सकता है, वो खुद भी अपनी पॉलिसी चेंज करके फ्री मेडिसिन की घोषणा कर दे, मुझे उम्मीद है अभी भी। क्यों वही रास्ता सही रास्ता देश के अंदर है, सरकार के हित में वही है। एक सा फैसला सबके लिए हो, एक सा वैक्सीनेशन का प्रोक्योरमेंट है वो भारत सरकार करे सबके लिए, वो बांटे फिर दवाई बांटी है ऑक्सीजन बांटा उसी ढंग से, चाहे प्राइवेट को देना है चाहे राज्यों को देना है, सब काम वो करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि केंद्र सरकार, अभी सुप्रीम कोर्ट भी इंटरवीन कर रहा है और मेरे ख्याल से चर्चा भी चल रही है केंद्र सरकार में, उम्मीद करते हैं कि जल्दी फैसला होगा। पर जो अनिल अग्रवाल जी ने एक बात कही जो कॉरिडोर बना के पोर्ट से जोड़ने की, ये बात तो बहुत लंबे अरसे से हम सुन रहे हैं, और इसमें मेरे ख्याल से सरकार भी इसमें बातचीत करेगी केंद्र सरकार से, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से मैं सुन रहा हूँ, मुझे 25-30 साल से। ये अनिल अग्रवाल जी ने कहा, हरीश चौधरी जी बात कर रहे थे, ये बात उठती रहती है। मैं धीरूभाई अंबानी से मिला था कोई जमाने में 20 साल पहले, तब भी वो भी ये बात कर रहे थे। उनकी नॉलेज था कि यहाँ पे कुछ समुद्र का यहाँ तक का रिश्ता बनना चाहिए बाड़मेर जिले का। तो मेरा मतलब कहने का है कि ये बात तो इतना बड़ा प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट होगा ये, तो जब तक भारत सरकार खुद आगे नहीं आएगी तो ये बात संभव ही नहीं होती है। पर ये इस पर विचार करना चाहिए। राजस्थान रेगिस्तान इलाके हैं, अकाल सूखे पड़ते रहे हैं, अब तो कुछ चेंजेस हुआ क्लाइमेट भी। पर राजस्थान जैसे प्रदेश में तो जैसे ये JSW आ गया, क्योंकि केन आने के बाद में तो फिर ही बदल गई पूरे बाड़मेर की, तेल निकल गया उसके कारण रिफाइनरी लग रही है, और गैस की खोज भी मेरे ख्याल से केन एनर्जी कर रही है, सांचौड़ तक जा रही है, जालौर तक, जैसलमेर बाड़मेर पता नहीं आने वाले वक्त में। वो ठीक कह रहे थे अनिल अग्रवाल जी कि मिडिल ईस्ट की तरह ही किस प्रकार से ये आने वाले वक्त में एरिया बन सकता है, और उसकी झलक तो मैंने लग गई अभी से ही, किस प्रकार से इकोनॉमी चेंज हो गई और बड़े बड़े प्रोजेक्ट आने लग गए। मैं समझता हूँ कि रेगिस्तान के इलाकों का भी भविष्य उज्ज्वल है, चाहे वो बाड़मेर हो, जैसलमेर हो, जो सबसे डिफिकल्ट एरिया माने जाते थे पूरे मारवाड़ के अंदर। मैं समझता हूँ कि बहुत बदलाव आ गया है, और पोटाश जो है वो भी हनुमानगढ़ से बीकानेर की तरफ है। पोटाश हिंदुस्तान में सिर्फ यहाँ राजस्थान में ही है, अभी हम लोग इंपोर्ट करते हैं, करोड़ों में खर्च होते हैं। जिस दिन पोटाश निकल गया, अनिल अग्रवाल जी जब कभी आते राजस्थान में तो पोटाश की बात जरूर करते हैं, और माइंस एंड मिनरल्स की बात करते हैं कि इतनी खनिज संपदा छिपी हुई राजस्थान के अंदर है, अगर ढंग से दोहन हो उसका तो राजस्थान बहुत आगे बढ़ सकता है और पूरे देश को उसका लाभ मिल सकता है, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसी बदल जाती है,
ऐसे माहौल के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो इस प्रोग्राम के अंदर जो भूमिका निभाई आप सबने, उसके लिए मैं बारंबार आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम भामाशाहों का भी। और उम्मीद करता हूँ कि हम लोग सब तैयारी कर रहे हैं, उसमें आप निश्चिंत रहें। जिस प्रदेश में हर जिले में मेडिकल कॉलेज, हम लोग बचपन में देखते थे कि जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, दो तीन मेडिकल कॉलेज हुआ करती थी उदयपुर, आज अगर 11-12 तो हो चुकी है। और 33 जिले में अगर सपना देख रहे हैं, 30 तो उसमें सेंक्शन हो गई भारत सरकार से भी, हमने जो सेंक्शन करवाई है, तो आधा पैसा करीब करीब 40% मेरे ख्याल से पैसा भारत सरकार, 60% भारत सरकार देगी, तो 40% स्टेट गवर्नमेंट देगी। स्वास्थ्य मंत्री बैठे, मैं ठीक बोल रहा हूँ मेरे ख्याल से? तो अगर इस प्रकार से मिलके हम लोग कर रहे हैं, 3 बच गए हैं, राजसमंद, प्रतापगढ़ और जालौर। और अभी आपने देखा स्वास्थ्य मंत्री जी की मंशा क्या है, तो कौन कोई रास्ता निकलेगा, तो हम चाहेंगे कि तमाम जिलों में राजस्थानी मेडिकल कॉलेज खुल जाए। क्योंकि अभी इसने कोरोना की जंग ने पूरे विश्व के अंदर, दुनिया के मुल्क तो हेल्थ सर्विसेज को लेके पहले से ही अपने बजट में प्रावधान ठीक करते होंगे, पर हमारे मुल्क में भी अब समय आ गया है कि डेवलपिंग कंट्री को भी और बैकवर्ड कंट्री को भी ध्यान देना पड़ेगा हेल्थ सर्विसेज पे। उनको बजट का पोर्शन बढ़ाना पड़ेगा हेल्थ सेक्टर के अंदर। अगर केरला के अंदर आज गांव-गांव जाएंगे तो आपको इन्फेक्शन इतना अच्छा मजबूत मिलेगा, नर्सेज वहाँ की है, डॉक्टर वहाँ बैठते हैं गाँव के अंदर, दूरियाँ नहीं ज़्यादा गाँव के बीच में, वहाँ पर तो संभव है। यहाँ पे अभी रूपनाथ जी कह रहे थे कि किस प्रकार से बाड़मेर की स्थिति है, तो आप सोच सकते हो कि दूरी है, गांव एक गांव ढाणी है, मिला के 25-30-40 किलोमीटर आना भी बड़ी आसान काम है। तो ऐसे इलाकों में रात दिन का फर्क है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग सब मिलके राजस्थान में भी गांव तक सब सेंटर PHC CHC मजबूत हो। हमने विधायक गणों से भी कह रखा है कि वो CHC PHC मजबूत करे, सरकार भी उसमें प्रायोरिटी देगी और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत बन जाए हेल्थ सर्विसेज का, ये आज की आवश्यकता भी हो गई है। इस कोरोना के अंदर लोगों का मानस बदल दिया है, सोच बदल दिया है, रहने की स्टाइल बदल दी है, सिंप्लिसिटी आ गई है आम लोगों के अंदर भी। तो मैं समझता हूँ कि इस कोरोना से हमें कई बातें सीखने को मिली है और हम मिलके कैसे मानव को बचाएं। और मैं बार बार कह रहा हूँ, ये बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, कि ये हमारे लिए जंग ऐसी है जहाँ हमारा धर्म सिर्फ इंसानियत है, आगे कौन जाति का है, कौन धर्म का है, कौन विचारधारा का, हमें कोई मतलब नहीं। ये भावना सब में होनी चाहिए, पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर, तब जाके जंग लड़ी जाएगी और जीती जाएगी। यही कहता हूँ मैं अपनी बात रघु शर्मा जी को, विभाग के तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने हम सबको मौका दिया, ये प्रोग्राम हम सब शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, सादर आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आपकी प्रेरणास्पद एवं सारगर्भित आशीर्वचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय। और अब आज के इस लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह के समापन पर धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री बहबू कालरिया जी को।